फिर हमको ज्ञान देना नहीं पड़ेगा, पर ये सुजागी फाउंडेशन परमात्मा है, वो परमात्मा ही इतने रूप धारण किया। पर तुम बोलेगा कोई चोर चंडाल में भगवान है, आपको चोर चंडाल दिखाई क्यों देता है? चोर जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है 13 की, पापी जो पाप करता है उसको सजा मन ही देता है, जब तक तो कोई दे उसको सजा मिल ही जाती है। मैं क्यों बोलूं पापी है? मैं रोगी के बाणे सब रोगी है, भोगी के बाणे सब भोगी है, पर योगी के बाणे सब योगी है। तो तू जब भी योगी दृष्टि रखेगा तो तुमको कोई चोर चंडाल पापी पुण्य नहीं देखने में आएगा। पर जो तू देखता है एक ऐसा देखेगा ना, विकार तीन विकार तेरे में आ जाएगा, एक विकार बोलेगा इसमें ये है तो तीन विकार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो तू गदगदवासी नहीं देखेगा, आमी प्रेजेंट नहीं देखेगा, सर्वज्ञ तू नहीं देखेगा, क्योंकि तू ऐसा करता है ये बोलता है, पर ये नहीं बोलता है तो गदगदवासी है। मैं दूसरे का विकार देखे, कोई मेरे को आटा ना दे तो भी एक विकार रोज देखे सबका आटा ताना मिल जाएगा, पर तुमको मिलता करता भी नहीं है। और तू बैठ के दूसरे का विकार पर चिंतन करता है। गुरु नानक तभी बोला है करतू तपस्सु की मांस जात लोक पचारा करे दिनरात, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोक स्वान। अंदर में लोग वो अहंकार है, बाहर से ज्ञानी ज्ञानी त्यागी वैरागी है। सब तुम्हारे को ज्ञानी दिखने में आएगा, जो भी उपदेश करेगा आप उसको ज्ञानी बोलेगा, पर नहीं नहीं उसका कैरेक्टर होना चाहिए। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर फॉर इविल, वो पाप है जो हम कैरेक्टर से न रहें और ऐसे ही हम ज्ञानी समझे अपने को, आश्रम बनाए शिष्य बनाए ये बनाए, सबसे पैसा मांगे थूक मांगे हाथ अपना खराब करें और दूसरे को थूक चटाएं, ऐसे काम हमसे नहीं होगा। विकारी हाथ में पैसा लेना माना थूक चटना थूक चटाना, पर आत्माकार कभी ये थूक नहीं चटता है। तो भाई पैसे से कुछ शांति होती है, पैसे से कोई शांति ना होगी पर पैसे के त्याग से शांति होगी। जैसे आज इसको बोला गया था तो तू इतना क्यों बंदोबस्त करते है, इधर बहुत मर्जी थी, तो आज इसने पैसे का त्याग किया तो आपको इनवाइट किया। तो जब भी ये माइजर नहीं था तभी इसने ये तुम्हारा आज मेला किया, संत सम्मेलन किया, नहीं तो हमारी दिल नहीं थी तो ये कुछ भी एक टक्का भी खर्च करे। मैं अपने दिल की बात सोचती हूँ, मैंने बोला धर्म निवास खुला पड़ा है तो काय को तकलीफ करता है, पर उसने माया को यूजलेस समझा कि भले कुछ भी हो गए पर माया यूजलेस है, मैं क्यों ऐसा अपने दिल को क्यों रोकूं। मैं समझता हूँ तो भाई कभी कभी ये मेला होता है तो मैं करूँ। अरे देखो जहाँ प्रेम है उसको कौन रोक सकता है, जहाँ चाहे तहाँ रहा है, पर कोई माइजर होता तो बोलता है ठीक है ठीक है, पर प्रेम में लाभ नहीं है, प्रेम में लाभ भी टूटता है, बंधन भी टूटता है, रास्ता भी टूटता है। प्रेमी एक है दुनिया में जो गॉड इज लव, लव इज गॉड, जो भी ऐसा अंदर में प्यार करता है तो प्यार में हम भी ऐसे गुलाम हो जाते हैं सबका। भाई प्यार है तो क्या करे, कौन बोले भगत की भगवान की बांधी भगत छुराए, भगत की बांधी कोई न छुराए। जिसको आने में तकलीफ भी नहीं हुई है आज इसमें सहज में सब आए, हाँ सहज में सब सहज में पहुँच जाते हैं जहाँ मिलता वे, किसी को भी तकलीफ इस ज्ञान में नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेम में रास्ता भी नहीं लगता है, रास्ता छोटा हो जाता है, लगता ही नहीं है। तो हमारे में आना है जाना है खाना है पीना है करना है, एक कोई भी जिसमें खर्च न हुए वो है सत्संग। पर इस भाग की बात है जो प्रेम में कोई नेम नहीं करता है तो आप ही उसको क्या बोलेंगे। आप तिरुपति बैठे हैं या नहीं? सब तिरुपति बैठे हैं। अच्छा कोई प्रश्न करो जो मेरी बात की। हाँ आगे हम दूसरों को प्यार करते थे, हाँ डरते भी थे, हाँ और अभी खुद को प्यार करके फेर भी देते। यदि आगे दूसरे को प्यार किया तो डर भी हुआ तो पता नहीं ये पसंद है या नहीं, पर आज मैंने अपने को प्यार किया है तो मैं शेर बन गया। अपने को प्यार किया, अपने से फिट हुआ, अपने सब बात से फिट है। भगवान को कोई शिकायत ये नहीं करेंगे, न भगवान में शक रखेंगे न शिकायत करेंगे, भगवान तुमने इसको ये दिया मेरे को ये दिया। भगवान का देना तो उनको पसंद ही नहीं है ना, भगवान देगा माया। और रियलाइज करने का ज्ञान हमको, कुछ शर्त हमको करने का है, रियलाइज करना तेरा हक है,
माया तो भाग में है या नहीं, पर भगवान तो ये भाग में है, क्योंकि जो पुरुषार्थ करेगा उसका समझो भगवान हो गया, उसको प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्राप्त को तुमने अप्राप्त माना, आत्मा को तुमने न्यारा जाना। कितनी बड़ी भूल थी जो आप बोलते हैं आत्मा शादी थी क्या जो माया में चले गई, आत्मा शादी नहीं थी, आत्मा तो है ही है, पर तुमने प्राप्त को अप्राप्त माना था, जीव माना था, और जीव से तुम ढूंढना शुरू किया भगवान को। तो कभी भी देह जाति को भगवान मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाला नहीं है। अ क्रिएचर कैन नॉट नो द क्रिएटर, पैदा हुआ मंच पैदा करने वाले को नहीं जानेगा। जवाब है उसको जो देह से कभी भगवान को ढूंढे।